एक दोस्त ने अपनी युवती दोस्त को बहला फुसला कर 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा। युवती के साथ उसने व उसके अन्य दोस्त ने मिलकर दुष्कर्म भी किया। मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता युवती को उसका ही साथी कपिल बहला फुसलाकर अपने साथ हाईवे के पास खेत में ले गया। यहां एक मकान में ले जाकर युवती को बंधक बना लिया। कपिल ने पहले अपने दोस्त के साथ नशा किया, फिर युवती के साथ 2 दिन तक दोनों दरिंदे दुष्कर्म करते रहे। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और आरोपियों के चुंगल से निकलकर राजेंद्र नगर पुलिस के पास पहुंची, जहां पुलिस ने दोनों दुष्कर्मी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों के नाम कपिल हैं। कंप्लेंट गुमशुदगी दर्ज हुई थी 3 मार्च को। उसमें ये बताया गया था कि 2 मार्च को 21 वर्ष की एक उनकी बिटिया है जो कि गायब है, घर पर नहीं लौटी है, बैंक में पैसे जमा कराने गई थी। उसके बाद से उसकी पतारसी में लगी हुई थी सारी टीमें। 4 तारीख को वो बच्ची मिलती है, तो जब वो ये अपना पूरी घटनाक्रम बताती है, जिसमें वो बताती है कि उसे 2 लोग बहला फुसला कर लेकर गए थे और यहीं पर पास में हाईवे के पास में एक कॉलेज है, उसके पास में जो आरोपी है उसी का खेत है। खेत में उसको 2 लोगों ने बंधक बना कर रखा, 2 दिन तक रखा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो कौन है आरोपी? आरोपी 2 लोग हैं, दोनों के नाम कपिल हैं। एक कपिल सन ऑफ भागीरथ है और एक कपिल सन ऑफ विष्णु।